नमस्कार, मैं पीएमडीएनए सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज मशीन। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल वर्सेज यूएई का जो कल मैच होने वाला है उसके अंदर कौन जीतने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं और कौन किसकी तैयारी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे नेपाल और यूएई ने अपनी स्कोर जारी कर दी है, यानी कि प्लेइंग 11 के जो बैट्समैन हैं वो भी जारी कर दिए हैं, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे। और हमें यहाँ पे खास तौर पर कौन से खिलाड़ी को टारगेट करना चाहिए अगर नेपाल को जीतना है, तो उनके बारे में भी हम विचार करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता देता हूँ कि यूएई को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए नेपाल को, क्योंकि यूएई वो टीम है जिसने एकमात्र मैच हराया था नेपाल को, और वो भी एकदम इंपॉर्टेंट मैच, सेमीफाइनल मैच हम कह सकते हैं, जो सेमीफाइनल था यहां पे क्वालिफाई लेवल का, अभी पिछले ही दिनों हुआ था, जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेला गया था। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनके पास स्क्वाड कौन सी है। तो संयुक्त अरब इमारात यानी कि यूएई के पास चिराग सूरी, वसीम मोहम्मद, आसिफ खान, वृत अरविंद विकेट कीपर है उनके, और बासिल हमीद, सीपी रिजवान और काशिफ दाऊद, रोहन मुस्तफा, अहमद राज जो कि कैप्टन है यूएई के, और यहाँ पे जहूर खान, जुनेद सिद्दीकी, ये यहाँ पे स्क्वाड है इनकी। और नेपाल की अगर बात करें तो आसिफ शेख, कुशल भुटेल, दीपेंद्र सिंह एरी, ज्ञानेंद्र मल्ला, आरिफ शेख, रोहित कुमार, पोडेल, सोमपाल कामी, विनोद भंडारी जो कि विकेट कीपर हैं, और संदीप लामीछानी जो कि हैं कैप यहाँ पे टीम के, और केसी कारण सागर ढाकल भी हैं इस टीम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर वृंत अरविंद ने टूर्नामेंट में 14 मैचों में 458 रन बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर कह सकते हैं हम, और इन पर खास नज़र होनी चाहिए यहाँ पे नेपाल की टीम की। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे यूएई ने टूर्नामेंटों में जो 15 मैच खेले हैं उसमें से 8 जीते हैं, और स्थान की अगर बात करें तो उनका दूसरा स्थान है इसके अंदर। और नेपाल ने यहां पे इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 9 मैच खेले हैं और जिसमें 5 जीतकर सफलता हासिल करी है, और उन्होंने अपना पिछला मैच भी पोपा न्यू गिनिया के साथ जीता था, जो कि एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं इसके लिए। और वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो यूएई के खिलाफ हारा भी था नेपाल, तो उसको यह भूलना भी नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गुंजाइश भी नहीं रखनी चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि ये 100% अगर आप देंगे तभी आप अगले मैच को निकाल सकते हैं जो कि आज खेला जाना है यहाँ पे। और ये यहाँ पे विशेष भी कह सकते हैं हम कि नेपाल शायद ऐसी गलती ना दोहराए, और जो कि पिछले मैच में कुशल भुटेल एक अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे लेकिन पिछले मैच में नहीं खेले पाए बढ़िया से, लेकिन वहीं पे हमें कुछ एक नए चेहरे भी देखने को मिले जो कि बॉलर भी थे और बैट्समैन भी अच्छे नज़र आ रहे थे, जिससे कि स्पष्ट होता है कि नेपाल की टीम भी काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई है और एक सुव्यवस्थित टीम है जो कि अच्छी टक्कर दे सकती है। और अगर बात करें दोनों के मैचों के रीजन, अगर हम अनुपात निकालें दोनों देशों का, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जीत के नेपाल के ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो 50% से ऊपर मैच जीते हुए हैं। और वहीं पे अगर बात करें जो यहां पे यूएई की है, तो वो भी थोड़ा बहुत 50% ऊपर ही जीते हुए, क्योंकि इन्होंने भी 8 मैच जीत रखे हैं। अब देखना यह हुआ कि कल का मैच किसका यहाँ पे पलड़ा भारी करेगा। दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।